नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। कटनी खिरहनी ओवरब्रिज के समीप हनुमान मंदिर के पास पुरानी रंजिश के चलते लगातार बढ़ रहे अपराधों पर पुलिस शिकंजा कसने में नाकाम है, जिस कारण आए दिन नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि दिनांक 8 फरवरी 2024 को लगभग 2 बजे के समीप दोपहर में सचिन निषाद नामक युवक के ऊपर एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने कुछ बात करने के बहाने बुलाकर पहले कट्टा दिखाया। इसके बाद जब उसने कट्टे को पकड़ लिया तो पीछे खड़े हुए अन्य लड़कों ने चाकुओं से लगातार वार कर दिया, जिसमें चाकू के 2-3 घाव एक उसके हाथ पर, बाकी घाव जांघ पर मारने के बाद तुरंत वहां से बदमाश रफू चक्कर हो गए। लहूलुहान स्थिति में देखकर वहां के नजदीकी लोगों ने परिजनों को जानकारी दी एवं परिजन तुरंत घायल अवस्था में शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका आनन फानन में इलाज शुरू किया गया, जिस कारण किसी अनहोनी घटना से सफल इलाज जारी है। उसने पहले बोला कि भाई, मेरे पहचान का एक जो आकाश था, आकाश विश्वकर्मा, उसने बोला कि भैया आ जाओ, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जो भी बातचीत करने के बहाने बुलाया, अपने कैफे बुलाया पहले उसने, नई बस्ती उसका कैफे है। फिर हम लोग को काम था, हम लोग दुर्गा चौक तक गए। फिर वो आकाश विश्वकर्मा मुझे फोन लगा रहा था बार बार, मैं बोला एक काम कर, मैं दुर्गा चौक से निकल रहा हूँ, तू मुझे बीच में मिल जा, ब्रिज के पास मिल जा। तो हम लोग की मुलाकात हुई, लड़के थे उस टाइम भी, लड़के थे तो 7-8 लड़के उस तरफ खड़े थे, उसी के साथ आए थे और वो अकेले आया मेरे साथ मिलने, हनुमान जी के मंदिर के सामने आया मिलने। फिर पीछे से आके एक पीछे अवेंजर से आया, नहीं पीछे से आया अवेंजर वाला आदमी, आदमी बड़ा था, बड़ा था। उसने कट्टा निकाला, कट्टा लोड करने लगा, कट्टा हम लोगों ने पकड़ लिया और लड़के थे पीछे से आके चाकू मारने लगे। 10-15 लोग। मेरा नाम सचिन निषाद, और पीछे से आके चाकू मारने लगे उन्होंने। एक मयंक रेखवार, आकाश विश्वकर्मा, आकाश विश्वकर्मा ने ही हमको बार बार फोन करके बुलाया, छोटू ठाकुर उसका दोस्त है, छोटू ठाकुर ने बुलाया। हाँ, विशाल शर्मा, मयंक रेखवार, अंशुल भारती, ये लड़के थे और भी थे जिनका फोन नंबर था।